कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। डिजिटल युग चल रहा है भैया, आपको पता होना ही चाहिए कंप्यूटर के बारे में, इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जितने कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो गाइज, हर जगह पे कंप्यूटर का यूज होता है और बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या, ये डिवाइस क्या है जो कि हर जगह पे फैल रही है, हर ऑफिस, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर स्टूडेंट के घर घर तक पहुँच रही है, इवन कि यहाँ पर भी देख सकते हो आप। इस कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करता है, इतना सा सिंपल सा समझ लेना है। और इसके बाद हम जंप करने वाले इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं। तो गाइस, जब भी चीज़ में इस लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर कुछ क्लिक कर रहा हूँ, डेटा दे रहा हूँ, तो उसको कहते हैं इनपुट करना। यानी कि जो भी मैं चीज़ अगर मैं टाइप कर रहा हूँ ए, तो अगर मैं जैसे ए टाइप करता हूँ तो यहाँ पे स्क्रीन पर ए लिखा हुआ होता है, तो जो ए मैंने जो टाइप किया वो इसको हम कहते हैं इनपुट करना। समझ गए? अब अगर आपने इनपुट तो समझ लिया, एकदम सिंपल वे से समझाता हूँ। जैसे कि अपने मोबाइल में आप कुछ काम करते हैं या गाना चलाना चाहते हो, तो जैसे उस प्ले वाले बटन पर आप क्लिक करते हैं, जो बटन पर क्लिक कर रहे हैं ना, वो आप अपने मोबाइल को दे रहे हैं इनपुट। अब आप समझ गए, तो उसको हम एक इनपुट कह सकते हैं। अब गाइस जान लेते हैं आउटपुट क्या है। तो गाइस, जैसे ही मैंने ए पे क्लिक किया और मेरे डिस्प्ले पर नज़र आ गया ए, या फिर मैं जेड पे क्लिक करता हूँ और इस डिस्प्ले पर नज़र आ जाएगा, डिस्प्ले पर नज़र आ जाएंगे जेड, तो वो है एक आउटपुट। जैसे ही आपने प्ले वाले बटन पे क्लिक किया मोबाइल के अंदर और वो गाना चलना शुरू हो गया, तो उसका मतलब है कि वो आपको आउटपुट मिल रहा है। तो गाइस, बहुत सारी जगह पे हम लोग बोलते हैं जैसा आप इनपुट डालते हो वैसा आपको आउटपुट मिलता है, जैसा कि आप कर्म करते हो वैसा आपका फल मिलता है। यस, आई नो इस वीडियो से हम नहीं भटकेंगे गाइस, तो बताने वाली चीज़ें होती हैं जो हम वीडियो में मिस नहीं करना चाहते। आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, इसलिए मैं वीडियो में कभी कभार ऐसी बातें बोल देता हूँ। तो गाइस, अभी तक हम इनपुट आउटपुट को समझ चुके हैं, अब समझ लेते हैं कि कंप्यूटर कौन सी भाषा में तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है। हिंदी समझता है, इंग्लिश समझता है, संस्कृत समझता है या गणित समझता है? तो या तो मैं सिंपली बताऊंगा कंप्यूटर समझता है बाइनरी भाषा। तो गाइस, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जो कि आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम जंप करते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे हार्डवेयर के बारे में। तो गाइस, जैसा कि आप इस लैपटॉप को देख रहे हैं, ये जो है ये हार्डवेयर है। कीबोर्ड आता है वो भी आपका हार्डवेयर में आता है, माउस आता है जो भी वो भी हार्डवेयर में आता है। जिसे हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं उसे हम एक हार्डवेयर कह सकते हैं एज ए स्टूडेंट डेफिनेशन। और हार्डवेयर हमेशा इनपुट के लिए यूज में लिए जाते हैं और हार्डवेयर से आउटपुट भी ले सकते हैं। अब हम जब करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर का नाम बहुत सुना होगा। सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। जैसे कि मैंने कोई ऐप इंस्टॉल करी है जैसे वीडियो प्लेयर, तो वो एक वीडियो प्लेयर है, उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्रामिंग कोड है जो कि कंप्यूटर को समझाता है, इस डिवाइस को समझाता है कि आपको कैसे वर्क करना है। तो गाइस, आप समझ चुके होंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिमिलरली मोबाइल में भी होता है, जो भी कोई एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, तो वो जैसा उस फोन को काम करवाना चाहती है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की वजह से, जो कि उस ऐप में कोडिंग करी हुई है, वैसा ही आपका फ़ोन वर्क करेगा। तो आई होप अभी तक आपने जो भी मैंने पॉइंट समझाए वो आपने सब समझ लिए हो। सो गाइस, वांट टू मोर वीडियोज ऑन कंप्यूटर, देन यू कैन कमेंट बिलो। मैं डेफिनेटली वीडियो बना दूंगा कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, कंप्यूटर के सारे कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। गाइस, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू इट नाउ। तब तक के लिए काम करते रहिए और जय हिंद।